वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा सेकंड डे स्विट्ज़रलैंड में, ज़ूरिच में एक्चुअली। और अभी हम जा रहे हैं ज़ूरिच सिटी टूर के लिए। कल हमने इंटरलेकिन का जो टूर था वो कंप्लीट किया और आज जो है पूरा सिटी को एक्सप्लोर करने वाला है। मैंने होटल से तो चेकआउट कर लिया, अब डायरेक्टली जो है हम ये बैग्स को कहीं पे रख देंगे, क्योंकि होटल में ये लोगों ने चेक इन चेकआउट होने के बाद में बैग रखने का अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा अलाउड नहीं, उनके पास में स्पेस नहीं है रखने के लिए। वो भी बहुत कंजेस्टेड रूम थे तो ऐसा तो होना ही था, इसके लिए उन सब ने अलाउ नहीं किया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम स्टेशन पे एक लॉकर फैसिलिटी है, वो लॉकर फैसिलिटी में आप अगर वहाँ बैग रखते हो तो पर डे का 5 यूरोज लेते हैं, ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ के आसपास। तो वैसा हम करने वाले, हमारे बैगेज को हम ड्रॉप करेंगे, फिर हम सिटी टूर के लिए जाएंगे और देखते हैं। यहाँ से ट्राम के लिए एक हाफ डे पास लेने वाले, तो वो पास अगर हम लेते हैं तो पूरा दिन कई पैसे भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो अभी हम करेंगे फटाफट। और चलो टिकट पहले ख़रीद लेते हैं। अब ये जो लगेज है हम रखने वाले हैं कैसी सेफ जगह, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक 5 यूरोज देना पड़ता है पर डे के लिए ये सामान रखने के लिए। तो ऐसे आप ऐसे जो बॉक्सेस है इसके अंदर आपके लगेज को रख सकते हो। ये वाला जो है मीडियम साइज़ का बॉक्स है जिसमें आप 10-15 kg तक के जो है रख सकते हो, और ये वाला लार्ज है जिसमें आप बड़े बैग्स रख सकते हो। तो इसका प्रोसेस क्या रहता है, ये सिंपल एक प्रोसेस है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो भी खाली है यहाँ पे जो खाली रहता है, जैसे वो ग्रीन जो है वो खाली है और रेड वाले मतलब ये सारे भरे हुए रहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन है तो ये ग्रीन खाली है और ये रेड है तो ये नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है सबसे पहले लगेज रखना है, दूसरा है डोर को क्लोज करना है, और उसके बाद में जो अमाउंट दिख रहा है वहाँ पे करने का, ये अमाउंट को पे करना है और ये QR स्कैनर कोड आएगा इसको लेके जाना है। ये जब मैं वापस आऊँगा ये QR कोड मुझे यहाँ पे स्कैन करना है और वो जो लॉकर है वो खुल जाएगा और मैं अपना लगेज लेके जा सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे लगेज रखने के लिए, एंड काफ़ी पैसा आप सेव कर सकते हो बजट ट्रिप के इसके ऊपर। तो ये लॉकर फैसिलिटी आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप रूम से चेकआउट कर लिए आपको पूरा दिन घूमना है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा लगेज है जो आप कैरी नहीं करना चाहते हो तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सेफ रख सकते हो। एक है ना बहुत सही काम हुआ, और वो काम ये था कि बैगेज हम रख रहे थे और बैगेज का जो ये था लॉकर मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वैसे ड्रॉप करके जाते हैं तो लार्ज वाला मिल ही नहीं रहा था। फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि छोड़ो जाने तो अभी बैग लेके घूमते हैं, बट जैसे निकल रहे थे वैसे एक लॉकर खुला और फॉर्चुनेटली वो एक्सेल वाला लॉकर था। तो वो एक्सेल वाला होने की वजह से एक बैग नहीं, दो बैग नहीं, पूरे 3 20 kg के बैग्स हम उसके अंदर रख पाए, और एक और 7 kg का बैग जिसका हमको कॉस्ट जो है 12 Swiss francs देना पड़ा, और कुछ 1100 रुपये के आसपास हमने दिया। और अभी हम फ्रीली घूम सकते हैं, सिर्फ एक बैग रखा है जिसमें सारे कैमरे इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर बैंक है जो हमको लगने वाला है। तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी था, मेरे को तो बहुत पसंद आया भाई, और आप ज़रूर ट्राई करना यहाँ पे आके। तो स्विस जो है और एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है और वो है वॉचेस। तो यहाँ पे वॉचेस बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे राडो हो गया और बहुत सारे ब्रांड्स है जो स्पेशली जो है स्विट्ज़रलैंड में ही उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहीं से बनते हैं। तो 2-2, 3-3 lakh से जो है यहाँ पे वॉचेस स्टार्ट होती है, और लग्जरी एक्सपीरियंस आपको करना है तो स्विस में आके आप यहाँ पे वॉचेस खरीद सकते हो। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ऐसे चेक करता है, रुकाते हैं और फाइन मारते हैं। शायद ये जो रास्ता है ये वन वे है तो इसीलिए सबको पकड़ के उनको फाइन लगा रहा है। हमने द बेस्ट डोनर और शोरमा जो हमको मिला 10 Swiss francs में, एंड इट वाज वेरी नाइस, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हमने फलाफिल भी लिया वेज में, और नॉन वेज में हमने यहाँ पे लैम के साथ में खाया भाई, एक नंबर था। जो क्वांटिटी थी दो लोग से भी नहीं खाई गई, तो क्वांटिटी वाज टू मच, बहुत ज़रा भूख लगा था और ऐसा लग रहा है कि ये लेने के बाद में प्रॉपर डिसीज़न लिया, हमने प्रॉपर खाना खाया, बहुत मज़ा आया भाई। शॉप है विक्टोरिया
और ये है ओपेरा हाउस के पास यूरिच में। सो यहाँ पे चला था एक फिटनेस कंपटीशन जब हम वापस आए हमारा लगेज लेने, और हमने भी ट्राई किया यहाँ पे कि कंपटीशन में हिस्सा लेते और हमने जीता भी। जल्दी वो कंपटीशन को व्लॉग में पोस्ट करूँगा। वापस आने के बाद में लगेज फैसिलिटी में फाइनली वो पर्सन को मैं मिला। अभी हम यहाँ पे लगेज फैसिलिटी के लिए आए, हमको ये भाई मिले, क्या नाम है आपका? नाम क्या? आपका नाम? इफ्तिखार भाई। ये इफ्तिखार भाई है अफगानिस्तान से, और ये भाई आए अफगानिस्तान से स्विट्जरलैंड बिना कोई पासपोर्ट के, बिना कोई वीजा के। कैसे है भाई? कुछ भी नहीं इनके पास। अभी जा रहे हैं। अभी ये भाई साहब को जाना है पेरिस, अभी बिना पासपोर्ट और वीजा के। अभी कहानी ऐसे है कि ये कैसे कैसे आए हैं। सबसे पहले तो ये अफगानिस्तान से कहाँ गए? अफगानिस्तान के पाकिस्तान। अफगानिस्तान से सबसे पहले ये पाकिस्तान गए? पाकिस्तान से फिर ईरान। पाकिस्तान से ईरान। ईरान से तुर्की। ईरान से तुर्की। तुर्की से बुल्गारिया। बुल्गारिया से सर्बिया। तुर्की से बुल्गारिया, फिर सर्बिया, फिर हंगरी। फिर हंगरी। हाँ, फिर उत्तरीश। फिर उत्तरीश। फिर इधर आ गए, फिर फाइनली स्विट्जरलैंड आए। तो मैं यही आई एम जस्ट वंडरिंग, पासपोर्ट के इतना बड़ा जर्नी भाई साहब ने पूरा किए, तो मैं सिर्फ ऐसे मूवीज में देखता हूँ, बट आज मैं फाइनली ये भाई के साथ में देख रहा हूँ कि ऐसे बॉर्डर क्रॉस होते हैं और इतना सिंपल होता है ये चीज़ें बॉर्डर क्रॉस करना। कुछ मिली आपको? बात करो, एक महीना की फीस बंद है, एक महीना की जरा एक महीने से आओ। हाँ, एक भाई साहब एक महीने से यहाँ पे कहाँ रह रहे हो? हाँ, रहते कहाँ हो? कहाँ रहे? रुके कहाँ पे? सोए कहाँ पे? सोए कहाँ पे आप? नींद कहाँ पे? नहीं सोए नहीं आप? नहीं सोए नहीं है। यहाँ पे रूम था, घर था, क्या था? किधर? यहाँ पे। किधर? इधर घर मर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। हम पांच को दो मर दो दिन बहुत ज्यादा है। तीन लोग आए थे, दो यहाँ पे, एक पता नहीं कहाँ पे है। उत्तरीश। उत्तरीश में है अभी भी एक बंदा रुका हुआ, और ये भाई ने बड़ी एडवेंचर करके आए। तो भाई एडवेंचर सीखना मनता है इनसे?